अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज बेसिकली रेफर कराता है उन टर्म्स या उन वर्ड्स को जो कि रिलेटेड होते हैं आपके पास डेटा ट्रांसमिशन से, या आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी कम्युनिकेशन चैनल की, तो वो बेसिकली आपके पास किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज से। अगर हम डेटा ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजीज की बात करें जो कि आपके पास डेटा को ट्रांसमिट कर रही होती हैं किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम से, कोई भी हो सकता है, टेलीफोन लाइन, कॉयल, केबल, कुछ भी हो सकता है, उनमें आपके पास फोर मेन आपके पास टर्म्स है जिनमें आपके पास डेटा रेट है, बॉड रेट है, बैंडविड्थ है और सिग्नल टू नॉइज रेशियो है। अगर हम डेटा रेट की बात करें, ये आपके पास वो स्पीड है जिसके ज़रिए से डेटा आपके पास ट्रांसफ़र हो जाता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर। हम ज़्यादातर इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलोबाइट्स, थाउजेंड बिट्स या मेगा बिट्स, मिलियन बिट्स पर सेकेंड के लिहाज से। जो आपके पास एब्रीवेशन है के बी पी एस की, इसको हम बोलते हैं किलो बाइट्स पर सेकेंड, और एम बी पी एस की, उसको हम बोलते हैं मिलियन बिट्स पर सेकेंड। तो डेटा रेट आपके पास वो स्पीड है जिसके ज़रिए से डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट आपके पास इसमें बॉड रेट आ जाता है। बॉड रेट वो रेट है जिस जो बेसिकली चेंज आ रहा था आपके पास किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे एक सेकेंड के लिहाज से ड्यूरिंग योर डेटा कम्युनिकेशन। आपके पास इलेक्ट्रिक सिग्नल के आपके पास दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स हो सकती हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे किसी भी बाइनरी डिजिट 0 या 1 को। जैसे ये दोनों 0 हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चेंज नहीं आया, जैसे ये 1 हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल एक चेंज आ गया। तो बेसिकली बॉड रेट आपके पास क्या होता है, जो भी आपके पास चेंज आएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन, तो वो जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉड रेट। आपके पास अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और उसके टू स्टेट्स हैं तो इसका मतलब है एक स्टेट जो है वो आपके पास बाइनरी 0 है और दूसरी जो है 1 है। इन दिस केस द बॉड रेट एंड द नंबर ऑफ बिट ट्रांसफर पर सेकेंड आर सेम। आपके पास जो बॉड रेट है और जो नंबर ऑफ बिट ट्रांसफर हो रही है वो आपके पास क्या होंगी, सेम होगी। अगर तो आपके पास इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आपके पास फोर स्टेट्स ही हैं तो उसमें आपके पास क्या हो गया, टू बाइनरी डिजिट्स होंगे। द एनालॉग जनरेटेड बाय मोडेम हैव फोर वोल्टेज, जो एनालॉग रिप्रेजेंट करोगे वो आपके पास फोर वोल्टेज होगा, 1 2 3 एंड 4। इट्स मीन आपके पास फोर स्टेजेस हैं फोर लेवल की। इसका मतलब है अगर एक स्विच ऑन है तो दूसरा स्विच क्या होगा, ऑफ होगा, मतलब एक 0 है तो दूसरा क्या है, 1 है। अगर आपके पास एक 1 है तो दूसरा क्या है, 0 है। हो सकता है दोनों 0 हो और हो सकता है दोनों 1 हो। तो इट्स मीन अगर आपके पास फोर स्टेट है तो यहाँ पे आपके पास डबल बिट्स को ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपके पास बैंडविड्थ आ जाती है। बैंडविड्थ डिस्क्राइब करती है ओवर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम और अ चैनल। इट्स मीन जो आपके पास केबल या जो भी चैनल आप यूज़ कर रहे हो उसमें से कितना डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। इसकी एग्जांपल है एक ग्लास है। अगर मैं कहता हूँ आपको कि एक जग में से ग्लास में पानी डालें, ठीक है, तो जब आप उस पर आप डालोगे, पोर करोगे अपना वाटर इनसाइड द ग्लास, तो आप देखोगे जितना पानी उसके अंदर आ सकता है, ठीक है, वही आप इंसर्ट करोगे। अदर देन डैट अगर आप डालने की कोशिश करोगे तो वो क्या करेगा, ओवरफ्लो कर देगा। तो बैंडविड्थ भी सेम चीज़ यही है कि जब आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हो तो जितने उसकी कैपेसिटी है आप उसके लिहाज से ही डेटा को ट्रांसफ़र करते हो, और वो भी डेटा पर यूनिट टाइम के लिहाज से ट्रांसफ़र होगा। जो आपके पास बैंडविड्थ है वो मेजर की जाती है बिट्स पर सेकंड के लिहाज से, जैसे कि आपके पास डेटा रेट को मेजर किया जाता है। इसमें नेक्स्ट चीज़ जो है आपके पास सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है। ये आपके पास वो रेशियो है जो सिग्नल पावर की है टू द नॉइज़, ठीक है, दैट कॉज एरर इन ट्रांसमिशन मीडियम। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बात करें, इट्स मीन जो वो आपके पास रेशियो है ऑफ यूजफुल डेटा ट्रांसमिशन टू एरर कॉज्ड बाय नॉइज ओवर ट्रांसमिशन मीडियम। जब आप डेटा को ट्रांसफ़र करो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, उसके दरमियान में जो नॉइज़ आ रहा है, ठीक हो गया, उसके हम क्या बोलते हैं, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। द मेजरमेंट ऑफ सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो डिफाइंस द डेटा ट्रांसमिशन क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। ये आपके पास बता रहा होता है जो आपने मीडियम यूज़ किया, जो भी आपने चैनल यूज़ किया, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। अगर तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो आपके पास हायर है 1.1 से, 1:1 से, इसका मतलब है सिग्नल ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए हैं और नॉइज़ आपके पास क्या है, कम ट्रांसफ़र हुई है।
हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल की बात करते हैं, जो आपके पास नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर होती है किसी भी कम्युनिकेशन लाइन से, उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ज़्यादा बिट्स ट्रांसफर होंगे तो इट्स मीन दैट द लाइन इज कैपेबल ऑफ मोर इंफॉर्मेशन विल बी लॉस्ट ड्यू टू ट्रांसमिशन एरर। तो अगर आप ज़्यादा बिट्स ट्रांसफर करोगे तो इसका मतलब है ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपकी क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है, अगर उसमें कोई भी ट्रांसमिशन एरर है। अगर आपने बॉड रेट कैलकुलेट करना है तो बॉड रेट कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, आपके पास जो नंबर ऑफ सिग्नल्स चेंज हो रहे पर सेकेंड, वो आपके पास क्या होंगे, बॉड रेट होंगे। बॉड रेट और डाटा ट्रांसमिशन रेट दोनों को हम मेजर करते हैं बिट्स पर सेकेंड के लिहाज से, लेकिन हमेशा दोनों सेम नहीं होती हैं। इफ़ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैज टू स्टेट्स टू रिप्रेजेंट द बाइनरी डिजिट 0 एंड 1, द बोर्ड रेट एंड द डेटा रेट आर द सेम। अगर तो आपके पास दो हैं आपके पास इलेक्ट्रिक सिग्नल की स्टेट्स, तो इसका मतलब है आपके पास बोर्ड रेट और डेटा रेट दोनों क्या सेम है। लेकिन अगर फोर स्टेट हैं तो दोनों आपके, तो फिर आपके पास दोनों सेम नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास अगर टू स्विचेज हैं तो एक ऑफ होगा तो दूसरा ऑन होगा, एक जीरो है तो दूसरा भी क्या है, दूसरा क्या है, वन है, एक वन है तो दूसरा क्या है, जीरो है, और हो सकता है दोनों जीरो और हो सकता है दोनों वन हो। तो इस केस में आपके पास जब फोर स्टेट्स आ जाएंगे तो बोर्ड रेट और डेटा रेट दोनों सेम नहीं होंगे। अगर आपने डेटा रेट कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना होगा, टू को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, बोर्ड रेट के साथ। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, जो आपके पास बोर्ड रेट है वो आपको पता है 28 किलोबाइट्स पर सेकेंड है। अब आपने डेटा रेट कैलकुलेट करना है तो डेटा रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, को टू को मल्टीप्लाई करना होगा 28 के साथ, जो कि आपके पास बॉड रेट है, और आपके पास उसके टोटल मेजरमेंट आ जाएगी, जो कि आपके पास है आपके डाटा रेट।